इंद्र के दरबार में वशिष्ठ जी बैठे हुए अपने राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र भूलोक में इतना दानी है, इतना सत्यवादी है कि आज तक स्वर्ग की ध्वजा भी वो किसी समय में छीन सकता है। ये बात विश्वामित्र को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि बिना परीक्षा के आप अपने शिष्य को किस तरीके से बहुत बड़ा सत्यवादी कह सकते हैं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से पूछा कि क्या मैं आपके शिष्य की परीक्षा ले सकता हूँ। वशिष्ठ को भी अपने शिष्य पर पूर्ण अभिमान था। उन्होंने कहा कि जैसे चाहे वैसे भूलोक पर जाकर के मेरे शिष्य की आप परीक्षा ले सकते हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, विश्वामित्र भूलोक पर आते हैं, विश्वामित्र भूलोक पर आते हैं, एक शूकर का रूप धारण करते हैं। सबसे पहले वो राजा हरिश्चंद्र की बगिया को जानते हैं, बगिया के माली को घायल कर देते हैं और माली रोता बिलखता हुआ अपने राजा के पास जा रहा है। इसके आगे आप कथा का श्रवण करें। Yeah.
सुबह प्रातः काल होते ही हम स्वयं सैनिकों के साथ आकर के सुबह का वध कर देने वाली कैसी आज मंत्री राजमंत्री जी महाराज बाद में भयंकर सुपर घुसाया है जो किसी भी हथियार से भाग नहीं रहा है बहुत भयंकर और सुखार है सभी सेना को तैयार करो आज हमें उसका वध करना है सेना तो तैयार है पर मुझे दे दो क्या दे दूं तुम्हें महाराज छुट्टी दे दो महाराज हमारे भी गली बच्चा है अगर हम फंस गए तो मेरी बहू का है पर कहां तक गई है मेरे बच्चा का है महाराज 200 रुपए तुम्हारे मनो नहीं था मंत्री तुम इसे 200 की नौकरी कहते हो क्या तुम्हें मालूम नहीं है वीर योद्धा रणभूमि को छोड़ करके भागते नहीं है ये कायरों का काम होता है अब ठीक है महाराज तुमका क्या नहीं देता है कहूँ मर मरा गए तो और आफत हो जाए और सुनो अगर तुम पर किसी सिपाही के पास से निकल गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी जी महाराज बाकी तरफ जाते हैं सुगर भेष बदल कर सभी सिपाहियों को चकमा देते हुए स्वयं राजा के पास से निकलता है क्योंकि विश्व में तुमको पता था अगर बेवजह किसी सैनिक के पास से निकले तो बेवजह सैनिक मारा जाएगा और राजा की परीक्षा राजा की लेनी थी राजा के पास से सुगर गुजरता हुआ और जंगल में पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जंगल में फिर से अपना रूप बदल करके जंगल में फिर से राजा को मिलते हैं बाबा के वेश में ए राजा तो हो
तीन अपराधी रास्ते में चलते जा रहे हैं, काशी की तरफ बैठने के लिए जा रहे हैं मेरे श्रोता बंधुओं। और इधर रोहित को थकान होती है। माँ माँ मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, माँ माँ मुझसे नहीं चला जा रहा है, माँ बस थोड़ा और चलो पुत्र, बस थोड़ी दूर है। Thank you.
स्वामी हम आपका पानी नहीं पी सकते हैं स्वामी। बता तो पी लो। नहीं मुनिवर हम आपका पानी नहीं पी सकते। मेरे श्रोता बंधु सबसे पहले एक वैश्या खरीदने आती है रानी को। रानी का धर्म रानी पूरी तरीके से रोधन करती है कि वैश्या के हाथ बेचने से स्वामी धर्म का नष्ट हो जाएगा। उधर उसके बाद कालू रहता रहता है राजा को खरीदता है। रानी पुनः एक बार मना करते हैं कि स्वामी अगर आप पहले विधवाई तो हमारे ऊपर से आपका अधिकार नहीं रहेगा। फिर उसके बाद एक पंडित आने आते हैं। वो पंडित जी खरीद के ले जाते हैं तारा और रोहित को और इधर कालू मेहता के हाथों से जैसे राजा हरिश्चंद्र को खरीद के ले जाते हैं। देखिए आगे कथा में काशी की बीच बजरिया हेलो हेलो हेलो
Thank you.
मैया मुझे लगता है मेरा पुत्र बाग में फूल लेने को गया था, उसे किसी सांप ने डस लिया। मैया मैं जाऊं? तुमने ये क्या रोज रोज का काम बना लिया है? खाना बना लिया, खाना बना लो, झाड़ू पोछा कर दो, उसके बाद जाना। ठीक है मैया। क्या हुआ बेटा? आगे तो बोलो पुत्र, कुछ तो बोलो। क्या हुआ बेटा?
हेलो कक्षा दसवीं छात्र सुधा हेलो रोहितास के इस रोल पर ₹50 पुरस्कार स्वरूप कमलेश कुमार मंडला बरी के प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेते रहते हैं, अंत में इतना हो जाता है
कि स्वयं राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को मारने के लिए जिस वक्त जाते हैं, उसी वक्त ये विश्वामित्र अपने असली रूप में आते हैं और कहते हैं कि हरिश्चंद्र, वह रे हरिश्चंद्र, तू तो बहुत बड़ा सत्यवादी राजा है। और वरदान मांगले राजा अपने वरदान मांगते हैं। जब पुत्र से और रोहतास से और उनकी पत्नी से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें हर जन्म में यही हरिश्चंद्र जैसे पिता मिले। और हरिश्चंद्र बोलते हैं, मुझे हर जन्म में ऐसी औरत, ऐसी अपनी नारी तारा मिले और ऐसा ही पुत्र रोहतास मिले। धन्यवाद।